मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत बागेश्वर पुलिस का अभियान तेज हो गया है। पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में अवैध शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही 2.5 लाख की नकदी भी बरामद की गई है। झिरौली पुलिस ने 14 पेटी शराब के साथ पवन जोशी तथा आनंद सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी अल्मोड़ा जिले के ताकुला के निवासी बताए जा रहे हैं। दोनों ही आरोपी अपनी कार में 14 पेटी देशी शराब लेकर जा रहे थे। एक अन्य मामले में कपकोट पुलिस व एसओजी की टीम ने अंग्रेजी शराब की खेप के साथ भयू कपकोट निवासी जमन सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2,53,000 की राशि भी बरामद की है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने 60 आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। मैं निरीक्षक झिरौली कैलाश नेगी, मैं अपने हमराही साथियों एसआई श्री बालकृष्ण जी, एसआई श्री जगदीश मेहरा, कॉन्स्टेबल मोहन प्रकाश और कॉन्स्टेबल भुवन प्रसाद के साथ सरकारी गाड़ी से प्रत्येक दिन के रात्रि में गश्त व देखरेख शांति रिश्ता क्षेत्र में मामूर थे। जब हम लोग रात्रि 1:30 से 2 बजे के बीच ऊपर बैरियर से नीचे बाजार की तरफ आ रहे थे तो सार्वजनिक शौचालय के पास सामने से हमें एक गाड़ी आती दिखाई दी, जिसे रोककर हमने रोकने का प्रयास किया तो यह आदमी पहले जो है गाड़ी बैक करके पीछे भागने की कोशिश करने लगा, जिसे अपनी गाड़ी लगा करके मौके पर रोक लिया और गाड़ी खोल कर चेक देखा तो वाहन में जो है 14 पेटियाँ जो है शराब की भरी पड़ी थी और 2 लोग उस पर सवार थे, जिनने अपना नाम, एक ने अपना नाम पवन जोशी सनप रमेश चंद जोशी निवासी अमखोला ताकुला बताया और दूसरे ने अपना नाम आनंद सिंह सनप स्वर्गीय मोहन सिंह, ये डोडाल गांव ताकुला का रहने वाला है और देसी शराब गुलाब मारका इन्होंने गाड़ी में भर रखी थी और जिसके कोई कागजात इनके पास नहीं थे और जब गाड़ी के कागजात पूछे तो गाड़ी के कागजात भी नहीं थे, जिस पर इन लोगों को हमने 60/72 में इनका चालान किया 60/72 एक्साइज एक्ट में और वाहन में भी कोई कागजात न होने के कारण वाहन को जो है एमबी एक्ट में भी सीज किया और इनके खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेजा। इधर पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने झिरौली व कपकोट पुलिस सहित एसओजी की टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए बधाई दी है। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।